हम जा रहे हैं बाड़े। जो भाई मेरे दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे बाड़े कितना फेमस है। शुरमा रोल आगे बताते हैं, पहले से खाया हुआ था थोड़ा सा। तो भाई आज से मैं अपनी हर वीडियो में एक प्रो टिप रखूंगा रिलेटेड टू फिटनेस। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में होने वाली है डेडलिफ्ट, बहुत ही हैवी सेशन, जो कि मेरे पीआर से एक दो हफ्ते पहले का सेशन है। तो देखते हैं कैसी जाती है। बाकी इसके बाद जो भी बात बात होगी, बकचोदियाँ होगी, वो तो तुम देख ही लोगे। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। ये देखो, ये हमारे अव्य भाई, इसको गेनिंग की टिप्स दिया मैंने, हेल्प हुई गेनिंग की टिप्स में थोड़ी पहले से। बहुत अच्छी टिप्स दिया भाई ने और मेरे को पहले से बहुत फर्क पड़ा। तो गाइस मेरे को तुम कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अभी थोड़ा टाइम फ्री में दे दूंगा, लेकिन जब थोड़ा हो जाएगा उसके बाद मनी भाई ज़रूरी है सबके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे लाइक कर दो पहले ही यार, क्योंकि तुम्हारा भाई है, तुम सारी मेरे भाई हो, जो जानता भी नहीं है वो भी मेरा भाई है। ठीक है, कभी साथ में ट्रेन भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया साला पागल हो चुका है पूरा, इसके 190 बड़ी नहीं है, इसने 100 लगा लिया। तो भाई आज से मैं अपनी हर वीडियो में एक प्रो टिप रखूंगा रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू पावर लिफ्टिंग, तो जिससे तुम लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आज से, लेकिन वीडियो में थोड़ा एंड में दूंगा ताकि तुम पूरी वीडियो देखो। सालों वीडियो नहीं देखते तुम, मेरे पूरा आ जाता है कितनी घंटे की वीडियो, कितने मिनट की वीडियो देखी है। तो वीडियो पूरी देखो यार, बढ़िया वीडियो बना रहा तुम्हारा भाई आजकल, कोई बोरनेस नहीं। ये देखो, ये इतना गंदा मुँह बनाते हैं वर्कआउट करते हुए। तो थोड़ा ना ज़्यादा आ गया था स्ट्रेन एकदम से, दर्द ज़्यादा ही हो गया था, सहन नहीं हो रहा था। तो इन्हें उसी टाइम हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ पर आके इंजेक्शन वगैरह लगवाए, लेकिन कोई ऐसी हड्डियों में दिक्कत नहीं थी, बहुत बच गए। तो अभी ये थोड़ा कम मूवमेंट कर नहीं रहा, तो इस वजह से इनकी भी चैनल पर वीडियो वगैरह आ नहीं रही है, लेकिन थोड़ी कमजोरी वगैरह की डाल लेंगे अभी, कंटेंट बन रहा है ये समझो। ठीक है, चलता रहेगा, कंटेंट चलता रहेगा, बस तुम्हारा प्यार चाहिए तो शेयर कर दो वीडियो को, अंदर शेयर कर दो। ये देखो, जैसे ये भाई ना सिर्फ अभी देखोगे ना, जैसे आप तो ना पुल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ पुल कर रहे हैं, थोड़ा ना फॉर्म इंटरेक्ट नहीं हो रही है। एक बार ही बताऊँगा मैं आपको, कन्वेंशनल में जो बिल्कुल बिगिनर बंदे हैं, जो डेडलिफ्ट करना चाहते हैं और स्टार्ट करने ही वाले हैं, जिनको फॉर्म नहीं पता, भाई डेडलिफ्ट में अगर फॉर्म अच्छी नहीं होगी ना तो बहुत इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेडलिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हारे इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तुम या पावर लिफ्टिंग। तो उसको अगर तुम सेफ तरीके में करोगे तभी फ़ायदा है तुम्हारे में, वरना फ़ायदा नहीं है इसका कुछ। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ प्रॉपर फॉर्म क्या होती है। तो भाई वीडियो में आवाज़ क्लियर आई नहीं है, तो मैं आपको वॉइस ओवर करके सुना रहा हूँ, तो सुन लेना जैसा भी हो। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, डेडलिफ्ट बार को अपने पैर के सबसे पास रखना है, एकदम पास रखना है, और लेग्स इतने खोलने हैं जितने आपके शोल्डर से हल्का सा कम खोल सकते हो, जो ऑप्टिमल है, और लेग्स से हमेशा बाहर रहेंगे हमारे दोनों हाथ। मिक्स ग्रिप या हुक ग्रिप आपके ऊपर है, मैं स्टार्टिंग में मिक्स ग्रिप ही प्रेफर करूँगा सब लोगों को। फिर हमने क्या करना है, देखो इसमें एक बारी ध्यान से देखो, मैं ना अपने लेग्स का भी यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो मैंने अपने लेग्स का भी यूज़ करा और चेस्ट बार करके शोल्डर रिट्रैक्ट करा है, तो ये परफेक्ट पोजीशन है। हमने बैक राउंड नहीं करनी, ऐसे बिल्कुल अच्छे से फॉर्म में। एक बात बताओ, 180 कब आएगी? चल रे पिक्चर, जितने 180 मारो ना भगवान के सामने 180 पकड़ के उठा के फिर तुझसे बातें करूंगा। आओ ये बता, आ जाएगी यार, आ रखी है।
भाई, यश भाई आज ओके कर दिया डेड लिफ्ट में। टापन टाप मारे 180 के तीन रैप, 180 के तीन रैप, 180 के तीन रैप, मजा आ गया आज। वीडियो को लाइक कर दो, तुम्हारे भाई ने करके दिखा दिया है। अब जिस दिन 200 आएगी उस दिन कितने व्यूज आने चाहिए? मेरे नॉर्मल 300-400 आते हैं, 500 तो हजार आ जाए उस दिन, मजा आ जाएगा। बन के करवा देना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। ये YouTube पे वीडियो मैं अपने लिए नहीं डाल रहा क्योंकि मेरे को इससे कुछ कमाई नहीं हो रही है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे मेरे को बाद में होगी भाई। हाँ ओके, तो भाइयों कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई शोरमा खाने बाड़े। हम जा रहे हैं बाड़े, जो भाई मेरे दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे बाड़े कितना फेमस है। यहाँ पर चिकन की आइटमें मिलती है बहुत तगड़ी तगड़ी, तो हम जा रहे हैं शोरमा खाने, कोई जेन्युइन सा पूरी चिकन मार्केट है ब्रो, मजा आ जाएगा तेरे को। आज शोरमा खिलाऊंगा बेंच, पूरी जिंदगी में नहीं खाया हुआ है शोरमा। तो भाई चेक करते हैं, टेस्ट रिव्यू दूंगा मैं वहाँ पर जाके, कैसा लगेगा मेरे को बताऊंगा। मैंने नहीं खाया बाड़े में शोरमा, नहीं खाया मैंने, बिरयानी खाई है और वो खाया मैंने नॉर्मल रोल खाया है, दूसरा वाला होता है ना टिक्का वाला वो खाया है। ये पोस्ट वर्कआउट मील है हमारी, ये पोस्ट वर्कआउट मील है जो अभी तुमने वर्कआउट देगा उसके बाद ही जा रहे हैं हम लगे हाथों। ऐसा नहीं है कोई अगले दिन की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो बन रही है बनने दो आगे चलो। तो आ गए हैं बाड़े, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फुल सजा वजा रखा है इन्होंने, तो भाई यहाँ पर जो है प्रोटीन इतनी मात्रा में है कि आपको एक दिन में खली का बच्चा बना सकता है। देखते जाओ बस दोनों तरफ, अंधा प्रोटीन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर लिखा है नो पेटीएम नो फोन पे, तब भी चला दिया, तब भी देंगे फोन पे पेटीएम, जान पहचान कह रही है भाई, मना कर दिया अभी, अरे हटाओ यहाँ से। थोड़ा तेज बोला करो तुम, इतने धीरे क्यों बोलते हो? अरे मतलब भाई पूछो सुनाई ना दे जाए, कहीं कह दे तुम्हारा कैंसिल। ये तो फिल्म, तो फिल्म है। हाँ उधर देखो, उधर देखो मुँह में पानी आ रहा, देख देख के भाई उसकी शक्ल पे फोकस मत कर। नहीं फिर मन नहीं करेगा खाने का। माल आ चुका है, बढ़ गया एकदम, ओके रिपोर्ट। ये देखो ये बन रही है मेयोनीज, ऑमलेट टाइप बनाते हैं ना ये परांठे में, नहीं क्रीम डलती है, क्रीम है क्रीम वाला नहीं, ये क्या है, ये अंडे बनेगा क्या अंडे के लिए? अच्छा ओके 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 ओके, टेस्ट रिव्यू ले दो। अबे ये क्या बाइट करी है तूने भाई, बहुत गर्म है अभी, मैं हट ये बना। तो गाइस ये देखो सुवर्नेस एक ही बार में। मैं तो कह रहा हूँ गर्म है, नहीं टेस्ट रिव्यू। तो भाई अभी गर्म है, अभी अभी गांड बच जाएगी, अभी रुक जाओ, टेस्ट रिव्यू का टाइम है। रोल आ चुका है शोरमा रोल, आगे बताते हैं, पहले से खाया हुआ था थोड़ा सा। मुंह पूरा भर लिया करो भाई, ये फेक वाला लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। नहीं भाई टेस्ट बहुत तगड़ा है, वो तो मेरे को पता है, मैंने आइटम बताई है, टेस्ट कैसे नहीं होगा भैया। ये अंदर माल भरा पड़ा है बेंच, अंधा प्रोटीन आज ही बनेगा तुम्हारा भाई सीबम नेपाल वाला। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे व्यूज फिटनेस एंड ब्लॉग्स तड़न। तो भाई इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म आज की, तुम्हें मैंने डेडलिफ्ट भी बता दी कन्वेंशनल कैसे करते हैं। तो भाई वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर इतनी सी भी अच्छी लगे ना तो भाई शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है तुम्हारा भाई, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी चाहिए वैसे तो, लेकिन वो जब ही होगा जब तुम शेयर करोगे, तुम्हारे शेयर के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ किसके लिए डल रही है, तुम्हारे लिए डल रही है, ठीक है, क्योंकि इससे अभी मेरी कोई इनकम वगैरह नहीं आ रही है क्योंकि अभी बहुत कम है चैनल पर सब्सक्राइबर वगैरह। तो भाई तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक भी कर दो सब्सक्राइब भी कर दो बस, ओके मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय टाड़ा, गुड नाइट, सो जाओ, सुबह हो रही है तो जग जाओ। इस साले पड़ी लकड़ियां लेते, कर्मा चीज तगड़ी है बेटे, इज्जत कमाई है हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे, गूदा है।